धनतेरस के शुभ अवसर पर शुक्रवार को भागलपुर के मुख्य बाजार खलीपाबाग चौक, भिकनपुर, तिलकामांझी, मिर्जानहाट समेत अलग अलग शहरी और ग्रामीण इलाकों के बाजारों में लोगों की भीड़ जुटी रही, जबकि पुरुष महिला समेत हर वर्ग के लोग अपनी पसंद के अनुसार सामानों की खरीदारी करते दिखे। वहीं धनतेरस को लेकर बाजारों में पीतल, स्टील की कई तरह के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, मोबाइल शोरूम, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिट्टी के दीपक, सजावटी सामान और पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की खासी भीड़ देखी गई, जबकि इसके अलावा आभूषण की दुकानों में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार को लेकर दुकानदार और शोरूम के संचालकों का कहना है कि इस वर्ष धनतेरस में लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, जबकि बर्तनों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलावा गाड़ी के शोरूम में भी अधिक संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। वहीं दीपावली को लेकर मिट्टी का दीपक, इलेक्ट्रॉनिक झालर, कैंडल और रंग बिरंगे सजावटी सामानों की लोगों ने जमकर खरीदारी की। बता दें कि धनतेरस को लेकर बाजार और शहर की सड़कें गाड़ियों और लोगों से पटी रही, जिससे आवागमन बाधित होता रहा। देश भर में दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बात अगर भागलपुर की करें तो धनतेरस के अवसर पर बाजार में लोगों की काफी चहल पहल देखने को मिली। एक ओर जहां सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ दिखी, वहीं दिया और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की दुकानों में भी खूब खरीदारी हुई। ऐसे में तिलकामांझी चौक के समीप एक दिए की दुकान में गोबर से निर्मित दिया एवं मूर्तियों की खरीदारी के लिए भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। गोबर से मूर्ति और दिया बनाने को लेकर कुम्हार गणेश पंडित ने बताया कि उन्होंने काफी समय पूर्व गोबर निर्मित मूर्तियों को बनाने की कला सीखी थी, लेकिन अब इसका उपयोग कर इको फ्रेंडली दिया और मूर्तियों को बनाकर बेच रहे हैं। गणेश पंडित ने बताया कि आमतौर पर लोग मिट्टी के दिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोबर निर्मित दिए अधिक ज्यादा किफायती होते हैं। शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित किया गया है। क्या क्या चीज़ है आपके पास गाय के गोबर? गाय के गोबर से मेरे पास तोरण द्वार है, शुभ लक्ष्मी है, ओम श्री स्वास्तिक है, गणेश मूर्ति है, दिया अनेक डिजाइन में है और फिलहाल 40 प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर में असामाजिक तत्वों ने बजरंग बली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी स्थानीय थाना समेत भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद भागलपुर के सदर SDM धनंजय कुमार, सिटी DSP अजय कुमार चौधरी एवं पुलिस लाइन DSP संजीव कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मौके पर पहुंचे ततारपुर थाना, विश्वविद्यालय थाना, दंगा नियंत्रण बल एवं रैपिड एक्शन फोर्स ने मोहल्लेवासियों से शांति सद्भाव बनाए रखने का अपील किया। वहीं सदर SDM ने कहा कि घटना को लेकर जांच की जा रही है, पुलिस द्वारा आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जल्द ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही SDM ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आसपास के लोगों की सराहना करते हुए बताया कि स्थानीय लोगों का अच्छा सहयोग मिला। फिलहाल पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। त्योहारों में शांति कायम रखने के लिए जिले में काली पूजा के दौरान DJ बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें विधि व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रतिमाओं की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। बता दें कि इस दौरान प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर सतत नजर रखा जाएगा। त्योहार के दौरान सभी से सोशल मीडिया का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की अपील की गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने नगर निगम व विद्युत विभाग को सुझाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विसर्जन शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी होगी एवं शहरी क्षेत्र में CCTV के माध्यम से निगरानी की जाएगी। सुल्तानगंज में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन लागू हुई विश्वकर्मा योजना पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना को विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता उत्तरी मंडल
अध्यक्ष कुमार मंगलम ने की, जबकि संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत अपने हाथों एवं उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता राशि प्रदान की जाएंगी। इस योजना में 18 व्यवसायियों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है, जिससे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी संख्या में कारीगरों और शिल्पकारों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान की निंदा की। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान अमर्यादित और अश्लील था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी मानसिक हालत कमजोर है और वह कुर्सी संभालने के लायक नहीं है। वहीं भाजपा नेता पवन मिश्रा ने कहा कि देश भर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आक्रोश है। मौके पर शाहकुंड मंडल अध्यक्ष रॉबिन सिंह, योगेश पांडे, मुकेश सिंह, सतीश कुमार सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भागलपुर में पहली बार 24 फीट डकैती। दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सुल्तानगंज में शुक्रवार को पंडित हरि नारायण शुक्ला फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित एलिमेंट्री स्कूल में दीपावली के पूर्व संध्या पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि सुल्तानगंज बीडीओ निशा राय, विशिष्ट अतिथि सीडीपीओ रूबी सिंह और सम्मानित अतिथि सुल्तानगंज थाना से नीरज कुमार उपस्थित थे। रंगोली प्रतियोगिता में केजी से दशम वर्ग तक के बच्चों की भागीदारी रही। बच्चों ने भारत के सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को अपने रंगोली के माध्यम से उकेरा। अयोध्या लौटने पर राम सीता का मिलन, छत्रपति शिवाजी महाराज की छायाकृति, वात्सल्य प्रेम, चंद्रयान, ऊर्जा संरक्षण को दर्शाती रंगोलियों की अतिथियों ने जमकर प्रशंसा की। इस दौरान बीडीओ निशा राय ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं सीडीपीओ रूबी सिंह ने कला और भाषा की उत्कृष्ट जानकारी होने के जरूरतों की बात कही। फाउंडेशन के सचिव राजेश कुमार शुक्ला ने विद्यालय के उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय विगत 30 वर्षों से संचालित है और यहां से पढ़े छात्र देश विदेश के अलग अलग महत्वपूर्ण सरकारी एवं गैर सरकारी पदों पर पदस्थापित हैं। प्रतियोगिता में विद्यालय से शानु कुमार, सत्यम कुमार, अरुण कुमार सिंह, अभय कुमार, अंकिता कुमारी समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। धन्यवाद ज्ञापन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर अविकल शुक्ला ने किया। ये पार्ट है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है उसका, ये हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, सबकी रंगोलियां बहुत अच्छी बनी हुई थी। 10th क्लास की रंगोलियां भी काफी अच्छी बनी हुई थी। केजी क्लास के बच्चों ने, बच्चों का देखा रंगोली मैंने, बहुत सुंदर बनाया था उन्होंने भी। तो ऐसे ही आप लोगों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है उसमें ही पार्टिसिपेट करना है। बस पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो करनी ही है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट करना है। जैसे रंगोली होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसे अगर होता है स्पीच कॉम्पिटिशन होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, वो सब भी करवाते ही होंगे यहाँ पे। रंगोली कॉम्पिटिशन हो, रंगोली कॉम्पिटिशन किया करते थे और वहीं से रंगोली बनाना सीखे। मैंने कहा आपको कि मैं बीते दिनों में चली गई। सबने एक से एक बढ़िया रंगोली बनाया और काफी बढ़िया है सर, केवल रंगोली ही नहीं, अन्य प्रतियोगिता भी करवाई है। अभी अभाव हो गया है हमारे
हमारे यहाँ जैसे कि लोक नृत्य, लोकगीत, डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, काव्य पाठ हो गया, ये सब चीजों की कमी दिखती है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दुधैला बैठकपुर स्थित श्री श्री 108 वैष्णवी काली मंदिर में काली पूजा की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। मंदिर अध्यक्ष महादेव मंडल ने बताया कि 12 नवंबर को दीपावली के दिन पूजा पाठ के साथ ही काली पूजा का शुभारंभ किया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार काली पूजा की तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई है। मंदिर प्रांगण को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मंदिर के चारों ओर रंगोली सजाई जा रही है, साथ ही मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं मंदिर के अध्यक्ष ने बताया कि पूजा के दूसरे दिन मंदिर प्रांगण में अखाड़ा और नाटक का आयोजन किया जाएगा। काली पूजा की तैयारी को लेकर मंदिर के आसपास रहने वाले भक्तों में काफी उत्साह है। वहीं मंदिर के सदस्यों का कहना है कि इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।